नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक सेट दिया था, प्रैक्टिस सेट था हमारा 115 का, ठीक है। ये हमारा 115 115 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों, इस सेट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, करीब 60 क्वेश्चन थे जो बेस्ड थे प्रोनाउन से और बेस्ड थे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन पर बेस्ड थे स्पेशली। तो हमें सबसे पहले तो ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये कमेंट किया है और पूछा है कि सर थोड़ा सा डिटेल में आप हमें एक्सप्लेन कर दें इस बारे में, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के पहले हमें एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और वो बात ये है कि हमें ये पता चल जाए कि साहब प्रोनाउन क्या होता है, तो सर हमारी थोड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी। पहले ये जान लें, फिर उसके बाद में जानेंगे पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोनाउन, तो जब प्रोनाउन के बारे में पूछा जाता है कि साहब है क्या प्रोनाउन, तो मैं आपको इसकी सीधी सी डेफिनेशन देता हूँ। प्रोनाउन उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा जरा, प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो किसी नाउन को रिपीट होने से, जो किसी नाउन को रिपीट होने से बचाए। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन आ गया है तो उस नाउन को हम बार बार रिपीट ना करें, तो उस नाउन के बदले या उस नाउन के स्थान पर जिस शब्द को प्रयोग करते हैं वही हमारा कहलाता है प्रोनाउन। अच्छा, इस प्रोनाउन का हिंदी अर्थ समझ लेना, इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम, ठीक है। पहले मैं इसी को टुकड़े कर लेता हूं, इस प्रोनाउन के टुकड़े कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखना। जरा मैंने कहा सर प्रो, प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? फोर, और फोर का मतलब क्या होता है हिंदी में? के लिए। ध्यान देना जरा। अच्छा, इसके बाद में नाउन का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानती हो सर। नाउन का मतलब होता है एक तरीके से नेम, नेम समझते हो, यानी कि नाम, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि नाम के लिए, नाम के लिए, नाम क्या? संज्ञा, यानी कि नाउन। संज्ञा के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही कहलाते हैं हमारे सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। अच्छा, अब इस सर्वनाम को देखना जरा, इसको मैं अगर तोड़ूं तो मैं कहूंगा सर्व, सर्व यानी सभी नामों के लिए, ध्यान देना बेटा, सभी नामों के लिए एक नाम, सभी नामों के लिए एक नाम, उसी को तो कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम सभी नामों के लिए एक नाम। जैसे जैसे मान लीजिए, सपोज करें मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। मैंने कहा सर राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। यही मैंने कह दिया कि अनिल एक विद्यार्थी है, ठीक है, कोई बात नहीं साहब। यही मैं लिख दूं सर विजय, विजय पुलिस अधिकारी है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ध्यान देना जरा, अब देखो ये राम नाम अलग है, अनिल नाम अलग है, विजय नाम अलग है, लेकिन अगर मैं इनको, अगर मैं इनको प्रोनाउन में ले जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा सर? वह एक अच्छा लड़का है, वह एक विद्यार्थी है, वह पुलिस अधिकारी है। आप देखो जरा, ये तीनों नाम अलग हैं लेकिन तीनों नामों के लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया वह, ये क्या हो गया सर मेरा? ये हो गया मेरा प्रोनाउन, ये मेरा प्रोनाउन हो गया सर। तो अलग अलग नामों के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि सभी नामों के लिए जिस एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे, जिस एक नाम का हम प्रयोग करेंगे, वो क्या कहलाएगा? मेरा सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है सरकार। अच्छा, और थोड़ा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डिटेल में आपको बताया था, डेफिनेशन में ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि साहब जब हम किसी नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते, तो उस रिपीट नहीं करना चाहते
तब जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन कहा जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं आगे लिखूं कि राम एक अच्छा लड़का है, ध्यान देना जरा, मैंने लिखा सर राम मेरा दोस्त है, ध्यान देना जरा, राम मेरा दोस्त है। अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसी सेंटेंस को, मैंने कहा सर राम पांचवी में पढ़ता है। तो अब आप इस चीज को ध्यान दें जरा कि भाई देखो राम, एक बार तो ये राम आ गया, फिर राम आ गया और फिर से राम आ गया, तीन बार आ गया। देखो मैं आगे जितनी बार भी लिखता जा रहा हूं राम राम राम, तीन बार आ गया सर। तो मुझे इस रिपीटेशन को रोकना है, मुझे बार बार किसी नाम को रिपीट नहीं करना। एक बार लिख दिया मैंने ठीक है, लेकिन अब दूसरी बार मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं जिस वर्ड का प्रयोग करूंगा, जिस शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, वो कहलाएगा मेरा प्रोनाउन। मान लो राम एक अच्छा लड़का है, अब मैंने लिख दिया सर वह मेरा दोस्त है। अब मैंने यहां लिख दिया आप पांचवी में पढ़ते हैं, मैंने नहीं लिखा वह, मैंने लिख दिया आप पांचवी में पढ़ते हैं। तो ये अब ये आप शब्द क्या है, ये वह शब्द क्या है, मेरे लिए एक प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, और थोड़ा डिटेल में समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन को। मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा टेबल महंगी है, ठीक है सरकार कोई बात नहीं, टेबल महंगी है। अब देखना सर, मैं लिख रहा हूं टेबल गंदी भी है। तो अब आप देखें जहां यहां भी टेबल, यहां भी टेबल, दो दो टेबल। तो भाई जब आप पहले सेंटेंस में टेबल लिख चुके तो दूसरे सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखो। यहां टेबल की जगह लिख दो टेबल महंगी है, ठीक है, यह गंदी है, गंदी भी है। तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, यह। अब यह मेरे लिए क्या बन जाता है, मेरे लिए सर्वनाम बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोनाउन की सीधी सी डेफिनेशन है साहब। अब प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सर, चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। तो जरा समझेंगे कि जो हमारा प्रोनाउन है सरकार, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट, मतलब कौन कौन से इसमें पार्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट नहीं, कौन कौन से इसमें तत्व आ जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सर एक आ जाता है इसमें आय, ध्यान दीजिएगा जरा, आय, वी, ही, सी, इट, वन, यू, दे। बेटा ध्यान से देख लेना, ये आपके आठ जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख लो आठ ही है ना बेटा, तीन और तीन छह सात आठ, आठ है सर। तो ये आठ लोग मिलकर बनाते हैं प्रोनाउन को, कहते हैं सर हम हैं प्रोनाउन, ठीक है सर। कर अच्छा, अब जैसा कि मैंने प्रैक्टिस सेट 115 दिया था आप लोगों को, तो उस प्रैक्टिस सेट में कुछ अच्छी बातें थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी थी, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी थी, तो ऐसे ही कुछ चीजें थी। तो उससे पहले मुझे कुछ बातें जाननी है भाई, प्रोनाउन तो डेफिनेशन समझ में आ गई, प्रोनाउन के बारे में मैंने बता दिया, यहां पे मैंने ये भी बता दिया कि ये साहब ये जो जानवर ये प्राणी आपको नजर आ रहे हैं ना, आई वी ही सी इट वन यू दे, ये सभी के सभी प्रोनाउन का हिस्सा है, ठीक है। इन्हीं को हम प्रोनाउन के नाम से पुकारते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं, इन्हीं की हमने शक्लें देखी है। लेकिन सरकार हमको एक बात और जाननी है, और वो बात हमें क्या जाननी है, हमें ये जानना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे ये जानना है सर, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मुझे ये दोनों चीजें जाननी है सर कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर मुझे ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा सर माइंड के अंदर, आपको भी हो जाएगा सर, मुझे भी हो जाएगा। तो कई बच्चे तो ये कहते हैं सर कि सब्जेक्ट क्या है सर, जो काम करता है, जो करता है उसी को कहते। सवाल ये उठता है सर काम करता कौन है, मेरे पास सवाल है कि काम करता कौन है, आपने तो कह दिया कि जो करता है, पर करता कौन है सर, यही तो मेरे लिए सवाल है। अब मैं आपसे पूछूं सर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर जिस पर काम किया जा रहा है, तो काम किया किस पे जा रहा है, ये भी मेरे लिए सवाल है सर।
भाई काम करने वाला कर्ता हो गया, जिस पर काम किया जा रहा है वो भी हमारे लिए वो कर्म हो गया। लेकिन सर दोनों बातें हमारे लिए कैसी हैं सर? क्वेश्चन वर्क में चली गई सर, ये तो सर हमारे लिए सब समझ में नहीं आ रहा सर, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो एक छोटे से सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा राहुल ईट्स मैंगो, जरा ध्यान देना बेटा है। और एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मैंने कहा यू आर राइटिंग लेटर। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं सरकार। अच्छा एक और देख लो जरा, सी बीट हिम, ठीक है। तो अब इस चीज में समझने की कोशिश थोड़ा सा हम करते हैं, ध्यान देना बेटा। ये तो मेरी वर्ब है, वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है भाई। राहुल खाता है तो सीधी बात है ये तो मेरे लिए सब्जेक्ट बना, ये वर्ब बना, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो आप जरा ध्यान देना जरा इस चीज का कि राहुल और मैंगो ये दोनों नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन की शक्लें ये नहीं बेटा, ये प्रोनाउन की शक्लें ऊपर लिखी हुई हैं, यानी ये बात तो क्लियर हो गई, स्पष्ट हो जाती है ये कि यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेरे कौन है सर। देख लो जरा दोनों कौन है मेरे लिए, नाउन है सर। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन होते हैं। दिमाग के अंदर सेट हो गया सर। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो जरा, लिखा हुआ है यू, पर सर ये तो सर मेरा नाउन नहीं है। आप देख लो जरा यू की शक्ल मिल रही है कि नहीं मिल रही प्रोनाउन से। तो सर ये तो मेरे लिए सब्जेक्ट तो है, लेकिन है क्या ये? ये मेरे लिए प्रोनाउन है सरकार। अब सेंटेंस में क्या लिखा है, यू आर राइटिंग, ठीक है सर, अ लेटर। अब ये अ लेटर, लेटर क्या हो गया इसमें, ये भी नाउन हो गया मेरे लिए और एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और पहली बोल चुका हूं कि नाउन क्या होता है सर, हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। अभी पता चला कि सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी होता है। अच्छा क्या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, देख लेते हैं सर। तीसरे वाले सेंटेंस से पता चल रहा है सी बीट हिम। अब ये बीट तो सर क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसने पीटा, किसको पीटा, हिम उसको पीटा। अब सर ये तो नाम तो है नहीं सर, ये नाउन नहीं है, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट तो है, पर है कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। तो सर ये बात स्पष्ट हो गई कि जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहेंगे सरकार, आप कहेंगे आइदर नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि या तो वो नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है, इसी को कहा जाता है सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई सर बात यहां तक, उम्मीद करता हूं कि सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक जितनी भी चीज हुई है, ये मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि आगे का जो पार्ट है वो कहाँ ले जाएगा सर हमें। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 115 की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रैक्टिस सेट 115 में जो भी चीज़ें थी हमारी, वो किससे रिलेटेड थी, किसको रिलेट कर रही थी, कैसे वर्क कर रही थी, अब उसी को जानने का समय आ गया है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, मैं उसको ज़रा रफ कर दूँ। आप में से कोई भी अगर इसे पॉज करके लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है सर। टेक योर टाइम, दोस्तों आई होप आपने नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन लिख ली होगी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर हमारा, आज उस इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है चार्ट। ये चार्ट आपने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो ये समझ लेना कि आपने इंग्लिश ग्रामर की 40% आपने इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म कर दिया, 40%। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो चलिए इस चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रूल निकलते हैं सर हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे कि
अब आप जानते होंगे सर कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो आप समझ गए होंगे सर सब्जेक्ट हमारे लिए करता है आई से लेके दे तक, ये जितने भी पार्ट लिखा हुआ है सारा का सारा प्रोनाउन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये सभी प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, आई का ऑब्जेक्ट देखो, इसे बोलते हैं हम लोग कर्म, ये आप देख ही रहे हैं सर कर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसको क्या कहते हैं अपन लोग, इसको कहते हैं हम लोग अधिकार, इसको कहा जाता है अधिकार विशेषण, ठीक है, इसको कहा जाएगा अधिकार विशेषण। अच्छा, आई का ऑब्जेक्ट मी और आई का ही पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है आई का ही पजेसिव प्रोनाउन है माइन, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, इसको कहते हैं हम लोग अधिकार सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है अधिकार सर्वनाम। अच्छा, आगे की चीज देखते हैं जरा, आगे क्या लिखा हुआ है, आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, इसे कहा जाता है स्वयं सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है स्वयं सर्वनाम। अब सरकार यहां पर ये सभी के सभी पार्ट हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ साहब इसमें हर क्या चीज है, देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है सर इसमें हर क्या चीज है, तो ये आपको बताना है कि सर हर ऑब्जेक्ट भी है, आप देख सकते हैं यहां पे हर ऑब्जेक्ट भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है, किसका है ये, ये है सर हमारा सी का। तो अब ये चीज आपको इतनी पता होना चाहिए कि आखिरकार में हर क्या है, इट्स क्या है, वन क्या है, वंस क्या है, देयर क्या है, देयर्स क्या होता है, देमसेल्व्स क्या होते हैं साहब, योरसेल्फ योरसेल्फ्स ये चीज क्या है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बहुत सिंपल से है सर, आप समझ जाए जिसमें सेल्फ लगा दो और सेल्फ्स लगा दो तो वो तो हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते, इसको समझना आसान होता है, लेकिन इसमें हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि देखो जैसे हर के साथ में कंफ्यूजन पैदा होगा उसी प्रकार आपका इट्स और इट्स में कंफ्यूजन पैदा होगा थोड़ा सा। आप देख रहे हैं, आप नीचे देखो जरा, ये लिखा हुआ है वंस और यहां लिखा हुआ है वंस, एक एपोस्ट्रोफी एस के साथ में है, एक विदाउट एपोस्ट्रोफी एस के साथ में है, तो ये दोनों कब यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, क्या है ये, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि ये चीजें होती क्या है, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये जानना जरूरी होता है, यहीं से पूरी की पूरी चीज हमारी चलेगी सर। अच्छा, ग्रामर के जो रूल होते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अब मैं आपसे करने जा रहा हूं कि भाई इनका जब हम यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसे लिख लें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला तो यहां पे मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूं। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन का अधिकार बताने का काम करता है, ध्यान से सुन लीजिए, अधिकार बताने का काम करता है, किसका, प्रोनाउन का। अब आप कहेंगे सर से प्रोनाउन का ही बताएगा, नाउन का नहीं बताएगा, नाउन का भी बताता है, लेकिन नाउन का अधिकार पजेसिव एडजेक्टिव नहीं बताता है, कौन बताता है फिर, वो बताता है एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ, ये तीन आदमी बताते हैं साहब, ठीक है। जब आप नाउन के अधिकार की बात करते हैं, जब ये पूछा जाएगा सर नाउन का अधिकार कौन बताएगा, तो नाउन का अधिकार कौन बताएगा, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ, ये बताते हैं नाउन का अधिकार। और प्रोनाउन का अधिकार कौन बताता है, प्रोनाउन का अधिकार बताते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर डालनी है बेटा, और डाल लीजिए इस बात को कि आपको ये पता चले कि भाई पजेसिव एडजेक्टिव और ये वाले जो है एपोस्ट्रोफी एस वाला, ये वाला पार्ट, ये किसके अधिकार को प्रेजेंट करेगा, ये नाउन के अधिकार को प्रेजेंट करेगा और जबकि ये प्रोनाउन के अधिकार को प्रेजेंट करेगा, ठीक है सर। अच्छा चलिए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, एपोस्ट्रोफी एस वाला जो पार्ट है इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम नाउन को स्टार्ट करेंगे, तब वहां तो वहां पर जानेंगे कि ये काम क्या करता है। अभी हम प्रोनाउन के बारे में अपना जो प्रैक्टिस सेट था उससे रिलेटेड आपको बातें बताने जा रहा हूं मैं, आपको ध्यान सुन लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा अपने साथ एक चीज लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, नाउन, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव
आप सेंटेंस में कहीं भी लिखो, कहीं भी, शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं भी अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखोगे तो ये अपने साथ नाउन लेके आएगा, ठीक है। अगर ये नाउन लेके नहीं आ रहा है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है और नाउन नहीं है, तो समझ जाइएगा फिर पजेसिव एडजेक्टिव को हटाना है और हमको पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो ये तो सर हमारा रूल है, क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब नाउन चिपक के चलता है तो ये इक्वल बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन के। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब आप नाउन को कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा पजेसिव प्रोनाउन के इक्वल होता है, बराबर होता है। अच्छा, कैसे होता है थोड़ा मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज माय हाउस, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देख लें, यहां पे ये माय लिखा हुआ है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये मेरा नाउन हो गया, हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस इज माय हाउस एंड दैट इज योर्स। अब आप ध्यान से देख लें सरकार, यहां पे लिखा हुआ है योर्स, ये क्या चीज है सर? ये है मेरा पजेसिव प्रोनाउन। मैंने आपको क्या बताया, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन छुपा है? दो आदमी छुपे हैं, एक छुपा है योर पजेसिव एडजेक्टिव और एक छुपा है नाउन। कौन सा वाला? ये वाला नाउन, हाउस, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कहते हैं कि दिस इज माय हाउस एंड दैट इज योर हाउस, तब भी ठीक है। अगर आप ये कह दें कि दिस इज माय हाउस एंड दैट इज योर्स, तब भी ठीक है। दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। फर्क कहां बताया मैंने आपको? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन को लेकर चलेगा और जबकि पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ नाउन लेकर नहीं चलता है, ठीक है सर। तो मैं इस चीज को साफ कर देता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सरकार, अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपने ये नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे का जो पार्ट है उसको अपन बढ़ाते हैं थोड़ा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेके आएगा? नाउन लेके आएगा, इक्वल किसके होगा? पजेसिव प्रोनाउन के। अब सुनिए सर, अब मान लीजिए नाउन लेकर ना आए तो फिर क्या लेकर आएगा? तो फिर अपने साथ वर्ब लेके आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फोर्थ फॉर्म। यहां से मैंने आपको दो नियम बताने जा रहा हूं और दोनों नियम मैंने आपको यहां क्लियर कर दिए सर। पहला नियम क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेके चलेगा, इक्वल होगा पजेसिव प्रोनाउन के। और दूसरा नियम, अगर वो नाउन लेके नहीं चलेगा तो क्या लेके चलेगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके चलेगा, ठीक है। क्या लेके चलेगा सर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे तुम्हारा आना पसंद नहीं है, समझ रहे जरा, मुझे तुम्हारा आना पसंद नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा सर? आई, देखिएगा जरा, आई डू नॉट लाइक योर कमिंग हेयर। ध्यान देना जरा, मुझे तुम्हारा यहां आना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक योर कमिंग हेयर। अब यहां पे देखो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई सर? तो सर ये हमारा यहां से रूल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। चलिए सरकार, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों। तो ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं सर। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं। कभी प्रपोज किया है? अक्सर बॉयज गर्ल्स बॉयज प्रपोज करते हैं सर, ये तो चलता है सर, ट्रेंड है। ब्रेकअप हो जाता है, पैचअप हो जाता है, ये चलता है सर। तो प्रपोज जब आप करते हो तो क्या बोलते हो सर? कहते हो सर आई लव यू, आई लाइक यू, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो सर इस चीज को जरा समझ के चलना। यहाँ पे मैं आपके सामने जो वर्ड लिख रहा हूँ जरा ध्यान देना, जरा जब आप बोलते हो ना आई लव यू, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये आई हो गया, ये यू हो गया, हो गए। तो यहाँ पे सर आई अलग है, यू अलग है, ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, है ना, दोनों अलग अलग बंदे।
आप ये लव वाली बात किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, अब दूसरे के लिए ना करके आप अपने लिए करो तो क्या कहोगे सर? फिर आपको कहना पड़ेगा आई लव माई सेल्फ। समझ में आई बात? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां किया जाता है? जब हम किसी काम को दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। वही रिफ्लेक्सिव यूज होगा जब हम किसी काम को दूसरे के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, या फिर कोई भी ऐसी बात जो अपने लिए कही जाए, अपने खुद को ध्यान में रखकर कही जाए, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह खुद से नफरत करती है, एक एग्जांपल ले लें अपन कि वह खुद से नफरत करती है, तो अगर आप ये वर्ड बोलते हैं तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा सी हेट्स। अब वो खुद से नफरत करती है, स्वयं के लिए वर्क कर रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा हर सेल्फ। ठीक है, तो जब आप किसी काम को किसके लिए करते हैं सरकार? खुद के लिए करते हैं, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ अच्छे नियम भी हैं जो मैं आपको थोड़ा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला नियम सुन लीजिए, पहला नियम यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, कभी भी यूज नहीं होगा। मैंने देखा है अक्सर कि जो स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन सीखते हैं कुछ बच्चे, तो स्पोकन लैंग्वेज में अक्सर बोलते हैं माई सेल्फ इज मिस्टर पवन। तो सर यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं और उसमें आप ये बोलते हैं कि माई सेल्फ इज पवन, माई सेल्फ इज विजय, अरुण, जो भी है, वॉट एवर, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं सर ग्रामेटिकल ये सही है क्या, तो सर ये ग्रामेटिकल एरर है, ये सही नहीं है। यहाँ पे सर एरर नहीं है, ये बहुत बड़ा एररा बन गया हमारे लिए, गलती बन गया, गलती नहीं गलता हो गया। तो सर ये बात ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करना कभी भी एज इन ग्रामर। बाकी स्पोकन में तो धड़ल्ले से यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो अपनी बात समझानी है सामने वाले को। तो यहाँ पे जब आप लिखते हो ना सर कि माई सेल्फ इज मिस्टर गोलू, लिख लो यार मिस्टर गोलू, लो सर, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। सही कैसे होगा? सही होगा आप लिखोगे आई एम मिस्टर गोलू, आप बोलोगे सर आई एम मिस्टर गोलू, ये है हमारा सही वर्ड। ठीक है, ये हमारी सही बात है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर हर सेल्फ इज माय वाइफ, तो सर ये भी गलत हो गया सरकार। मैंने कहा ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता, हर सेल्फ यूज नहीं होगा, यूज क्या होना चाहिए यहां पे? सी इज माय वाइफ। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पहला रूल था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं सरकार, थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। अगर आप बाय को चिपका रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में इस बाय को चिपका के चलते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा अलोन, दूसरा मतलब हो जाएगा विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, दो मतलब में जाता है ये बेटा, है दो सेंस में ये टूट जाता है आपका, अलोन और विदाउट एनी हेल्प। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि सी वांट्स टू लिव बाय हरसेल्फ। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं भाई, वो रहना चाहती है अकेले बाय हरसेल्फ। तो जब भी आप बाय के साथ किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करेंगे, तो उसका दो अर्थों में मतलब हो जाएगा अलोन और दूसरा हो जाएगा विदाउट एनी हेल्प। क्लियर हो गया? ये हमारा दूसरा रूल था। अब तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या कहता है तीसरा रूल, समझने की कोशिश करेंगे भाई तीसरे रूल को हम लोग। दोस्तों यहां पे जो तीसरा रूल कहता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड, वो ये कहता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि प्रेजेंट,
absent, avail, proud, apply, resign, ठीक है, ये आप देख लें जरा, present, absent, avail, proud, apply, resign, तो इस टाइप की कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव यूज होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होता है, तो वो कौन सी है सरकार? वो है आपकी कीप, कंसील, शेव, शेव हजामत करना सर, ठीक है। अच्छा, ऐसी में ओपन, सेल, वॉश, ठीक है। तो इस तरह की कुछ वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होगा, और ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज होगा, ठीक है सरकार। अच्छा, अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, एक और रूल आ जाता है इसी में। वो रूल क्या कहता है सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पांचवा रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जरा ध्यान देना बेटा दोस्तों, जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करोगे, महान हस्तियों ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी यूज करोगे तो उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करोगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है सरकार। तो कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या यूज करेंगे सरकार? तो इतने हिस्से की जगह आप यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, आप इतने हिस्से की जगह यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन प्लस नाउन, ये यूज करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखना जरा, सी पेंटेड हरसेल्फ रूम, ठीक है, ये सर हमारे लिए गलत है सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा सर? सी पेंटेड, यहां पे ये गलती है सर, क्या होना चाहिए सर? हर, ऑन और रूम तो है ही अपने पास, समझ में आ गया सरकार? चलिए सरकार, बहुत खुशी है सर आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये कहानी थी सर, पांच रूल बता दिए मैंने आपको, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक कहानी और सुनिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग कहां से भूल गए, हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है दोस्तों, ये बैटरी ढीली हो जाती है आगे, क्या करें। खैर, कम टू द पॉइंट, तो सर मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं आपको बताने जा रहा था अगला जो इसका फॉर्म था, इम्फेसिस फॉर्म, मैं आपको इम्फेसिस फॉर्म समझाना चाह रहा था। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, इम्फेसिस फॉर्म जब भी आएगा या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव इम्फेसिस फॉर्म, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। बेटा ध्यान से सुन लेना, आपका यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, या आप जी समझ लो कि जितने भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, ये टुच्ची बातें पूछते हैं। वो पूछते हैं साहब इम्फेसिस फॉर्म बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहां होगा, तो या तो सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो इम्फेसिस है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए, ठीक है बेटा, ये दो जगह अगर आ जाए तो समझ जाना इम्फेसिस फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कौन सा फॉर्म है? इम्फेसिस फॉर्म। अब सुन लो बेटा, सब्जेक्ट के बाद आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के बाद आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो आपने बोला सर आई माई सेल्फ इंजॉयड द पार्टी, ठीक है, इम्फेसिस फॉर्म है, इम्फेसिस फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट वाला देख लो एक, अब मैंने बोला सर सी मेट द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ, सही है क्या? नहीं साहब, सही कहां से हो गया? मैंने बोला ना सर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो थी प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ हटाओ, क्या होना चाहिए इधर? हिमसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें रट्टा मार लेना आप लोग, ठीक है सरकार। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी खत्म हो गई आपकी।
तो सर हमने क्या पढ़ा सर, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्टोरी पढ़ ली। अब सुन लो सर एक बेसिक और छोटी सी बात जो आखिरी बात रह गई है इस चार्ट से रिलेटेड, ठीक है सर। कर कहाँ गए हो यार, देखो भाई ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूर दराज के बच्चों तक पहुँचाओ जो गांव में बैठे हैं बेचारे नेट चला रहे हैं जियो का फ्री फंड में, उनसे बोलो टिकटॉक वीडियो ना बनाएं, टिकटॉक पे टाइम बर्बाद ना करें, थोड़ा सा देख लो बेटा जी हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं देखो हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करो, लाइक करो, पसंद करो, कमेंट नीचे ज़रूर करो। आपकी कोई भी समस्या, किस कैसा भी ग्रामर का क्वेश्चन हो आप पूछो। ये दिल्ली वाले क्या बताएंगे, इंदौर वाले क्या बताएंगे, आप हमसे पूछो हम बताएंगे आपको। और निशुल्क क्लास है, बिल्कुल निशुल्क, एक रुपया नहीं लिया जा रहा, ठीक है सर। तो सुन लो सर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सर हमने ये तो बता दिया था कि सब्जेक्ट में हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, अभी प्रोनाउन लिखे थे मैंने बताए थे, चलो अब नाउन लिख के देखते हैं। मान लो सर मैंने यहाँ किसी का नाम लिखा, मैंने लिख दिया किसी का नाम, मैंने लिख दिया सर मधु, हो सकता है सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर मैं यहाँ मधु लिख दूँ सब्जेक्ट में तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्ट में मधु लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखूं, तो पजेसिव एडजेक्टिव में मैं लिखूंगा एपोस्ट्रोफी एस, बताया था ना भाई। अगर हमें किसी नाउन का अधिकार बताना है तो इन तीन आदमियों से बताते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ, अभी बताई थी मैंने आपको बात। तो सरकार अगर मुझे किसी नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव समझना आप इसको, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन का, ये नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है सरकार। अच्छा इसी मधु को हम प्रोनाउन में क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कह सकते हो सी प्रोनाउन में, और सी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा, तो सी के ही अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा सरकार हमारा, हर बनेगा, बना। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सरकार। अच्छा अब एक चीज समझ लो, अगर मैंने यहां पे किसी जानवर का नाम लिख दिया, मैंने कहा सर डॉग, ये भी तो हमारे लिए सर नाउन हो गया, सब्जेक्ट में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, अगर ऑब्जेक्ट में लिख दूं तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसका पजेसिव एडजेक्टिव बताऊं तो वही तीन प्राणी, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ, ठीक है सरकार। तो अब इस प्रोनाउन की भाषा में इसको डॉग को मैं क्या लिखूंगा, अभी मधु को तो मैंने सी लिख दिया था, डॉग को क्या लिखूंगा, दो बातें लिखूंगा, या तो ही लिखूंगा या इट लिखूंगा, या तो ही लिखूंगा या इट लिखूंगा। अब आप कहोगे सर कुत्ता कहां से ही हो गया, तो सुन लो, यदि ऐसा जानवर जो आपके घर में पला है, आपने पाला है, तो वो आपके लिए मेल फीमेल बन जाता है, और अगर वो आपने पाला नहीं है, कोई आवारा जानवर है, तो वो आपके लिए निर्जीव का काम करता है, यानी नॉन लिविंग बन जाता है, इट बन जाएगा। घर में आपने कुत्ता पाला है, आप उसकी गंदगी भी उठा लोगे, उसको पुचकारोगे, नहलाओगे उसे साबुन से, महंगा वाला साबुन लेके आओगे, और गली का कुत्ता होगा आपके दरवाजे पे गंदगी कर जाए, आप लाते मारोगे उसमें, चप्पलें मारोगे, डंडा मारोगे, हैं, तो उसके अंदर भैया दया नहीं, आपके अंदर उसके लिए दया नहीं आई, अपने घर के कुत्ते के लिए दया आ गई, तो हो गया बेटा आपके घर का सदस्य मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके घर का सदस्य नहीं है तो वो इट में कन्वर्ट हो जाएगा, निर्जीव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा सुन लो इधर एक बात और, अगर मैं यहां पे लिख दूं भैया मधु एंड किसी का भी नाम ले लो, ज्योति, चलो सर मधु एंड ज्योति दो नाम ले लिए, अब इनको प्रोनाउन में क्या लिखोगे आप, यार दे लिखोगे, सीधी बात है, आप इनको दे लिखोगे। अच्छा सर अगर मान लीजिए यही मैं डॉग्स लिख दूं तो क्या दिक्कत है सर, अब इसको क्या लिखोगे, इसको भी दे लिखूंगा। एक बात समझ लो अच्छे तरीके से, चाहे लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, अगर ये दोनों प्लूलर आते हैं, सुन लो बेटा, नॉन लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग नाउन हो, ठीक है, अगर ये प्लूलर फॉर्म में आते हैं तो इक्वल बनते हैं दे, प्रोनाउन में क्या बनेंगे, हमेशा दे बनेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा बुक्स,
तो बुक्स क्या बनेगा मेरे लिए प्रोनाउन में, दे बनेगा। इट मत लिख देना, हाँ बुक लिखा होता सिर्फ तो ये मेरे लिए इट बन जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा सर यहाँ पे राहुल, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए ही बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर रख दूं आपके सामने, मान लीजिए सपोज करें राहुल्स, ये सुना नहीं होगा कभी आपने, सुना है राहुल्स बेटा, जब किसी नाम का प्रूलर बनाते हैं ना तो एस जोड़ते हैं राहुल्स, तो ये हमारे लिए दे बन जाएगा, ठीक है सरकार। तो सरकार ये छोटी सी पहल थी, छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को थोड़ा बताने की और सिखाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोगों से। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपके गिले शिकवे आप जरूर पूछें सरकार। प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।